डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु आर योर सुपर हीरोज? कौन से ऐसे सुपर हीरोज हैं जो आपको अपने पर्सनल लेवल पे अफेक्ट करती है एंड काफी ज्यादा आप उस चीज से प्रभावित हो, आपको वो हेल्प मिल रही है? लाइक मोस्टली मेरे सुपर हीरोज तो मेरे पेरेंट्स होंगे. लाइक दे हैव बीन सपोर्टिंग मी फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम. सो फॉर मी माय पेरेंट्स आर माय सुपर हीरोज. बिल्कुल, पेरेंट्स सभी के सब सुपर हीरोज होते हैं, और उम्मीद करूंगा जल्दी आप घर पे जाओगे और आपको खाने वगैरह, जैसे आपने बोला, मिस करते हो काफी ज्यादा, वो सारे मिलने वाले हैं। बट अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो जैसा आपने बोला, 3-4 महीने से आप बूट कैंप पे हो, और ग्राइंडिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन में नए हैबिट्स आपने क्या अपने अंदर देखे हैं? खाना बनाना आई गेस काफी ज्यादा कॉमन हो गया होगा, क्योंकि बूट कैंप में मुझे लगता है एक आध दिन के लिए सबकी बनी होती होगी, हाँ ठीक है आज ये बनाने वाला है, आज ये बनाने वाला है। तो ऐसी कुछ नई हैबिट्स जो आपके अंदर आई हो? सो लाइक लॉकडाउन में जैसे न्यू हैबिट्स बनी, जैसे पबजी मोबाइल जब हम पूरा दिन में ग्राइंड कर लेते हैं तो रात को लाइक अदर पीसी गेम्स खेलते हैं या कंसोल पे भी खेलते हैं. तो एक अच्छी हैबिट बन गई है, सब इकट्ठे मिलके खेलते हैं. सो न्यू हैबिट ये बनी है हमारी लॉकडाउन में. डेफिनेटली ये अच्छी हैबिट तो है, बिकॉज यू नो एक ये कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ा देता है। अगर आप रियल लाइफ फ्रेंड्स हो तो आप इन गेम फ्रेंड्स और भी ज्यादा अच्छे हो जाओगे। बट इन गेम फ्रेंड्स का हम लोग बात करें, कमिंग बैक टू द गेम, आपको ऐसी चार स्क्वाड, लाइक डेफिनेटली हम मानते हैं कि हाँ सुपर हीरोज बैटल है, बैटल अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द टीम्स इन इंडिया, बट आपको ऐसी कौन सी चार टीम्स लगती है जो कि परफॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रही है, बट दे डेफिनेटली आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर ऑफ दिस टूर्नामेंट, और वो ऊपर आने की यू नो पोटेंशियल रखती है? सो लाइक अभी जो मेन टीम्स हैं लाइक गॉड लाइक हो गया, मेगा स्टार्स हो गई, फिर ऑरेंज रॉक हो गया, फिर देन IND. लाइक IND तो तभी लाइक परफॉर्म कर रही है, दे आर इन टॉप 3, बट आई थिंक दे कैन परफॉर्म इवन बेटर. सो दीज आर द 4 टीम्स आई थिंक जो मतलब अभी शायद थोड़े टाइम पे या इसी टूर्नामेंट में मेनली सुपर हीरोज बैटल में इतना टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है उनका. लाइक दे कैन डू बेटर आई बिलीव. ऑल्सो डेट आई नो वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स देयर, बट एक और चीज जो मेरे को पर्सनली बहुत लोग टैग करके बोले, और ये चीज आप यू नो एक हॉट टॉपिक बन चुकी थी इंस्टाग्राम पे एंड बाकी सारे सोशल मीडियाज पे भी, कि वो जो एक सैनॉक मैप था जो आपने कूद करके एक जंप जंप करके क्लिफ से फोर किंग को वाइप करा था वहां पर, तो एक्चुअली इन गेम में वहां पर क्या पोजीशन थी, कि डिड यू मीन टू जंप देयर या वो गलती से जंप था? बिकॉज हमने देखा सिरवी ने भी जंप करा था बट ही फेल डाउन एंड गॉट नॉक्ड, और वो आपको पूरी गेम कॉज करी थी। आप लोगों ने वहां पर चिकन डिनर तो नहीं निकाला था, बट बहुत ज्यादा अमेजिंग वहां पर एक्शन हमें देखने को मिला था, आपने जो मतलब कूद करके फोर किंग को पूरा वाइप करा था, दैट वॉज अमेजिंग। सो डिड यू मीन दैट जंप या वो गलती से हुआ? सो एक्चुअली वो वाले सिनारियो के पीछे एक फनी बैक स्टोरी थी. तो एक्चुअली मैं दो बंदों को वहाँ पे नॉक करता हूँ, एक को नेट से एक को M4 से. तो हमें पता होता है शायद एक या दो ही बंदा वहाँ पे बचाएगा. तो मैं सीवी के लिए मार्क लगाता हूँ कि नीचे यहाँ पे रॉक है, हम उसके ऊपर कूद के ना फिर नीचे जा सकते हैं. तो मैं वहां पे तो कूद जाता हूँ, फिर जैसे सीवी कूदता है मैं गलती से ना हल्का सा आगे हो जाता हूँ. मतलब मैं नीचे तो मैं देख रहा हूँ तो नीचे है बंदे, तो मैं ऊपर नहीं देखता. तो सीवी गलती से मेरे ऊपर कूद जाता है और स्लिप होके पहाड़ से नीचे गिर जाता है. और ऑस्टिन भी उसी को फॉलो करता है और ऑस्टिन ब्रेक की जंप मार देता है और दोनों के दोनों नॉक हो जाते हैं. फिर एंड सिचुएशन में मैं ही बचा होता हूँ, तो लकीली एक ही गाय अलाइव होता है तो मैं उसको मार देता हूँ. बट उसकी वजह से हमारा वो शायद मैच चिकन डिनर हो सकता था, पर नहीं हुआ क्योंकि मैं सोलो सर्वाइवर था. यस yes, बिल्कुल, स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी और शायद मजा भी बहुत ज्यादा आया था वो सीन देख के, और मुझे लगता है ऐसा सीन हमने पिछली बार भी कहीं देखा था, बट उसकी बात अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। बट जिस तरीके से आपने बोला, जिस तरीके से आपका गेम प्ले वगैरह है, बाकी सारी चीजें, और यहाँ पे अगर हम बात करें वैश्विक रॉयल्स और आपकी टीम की, तो जैसा आपने शायद देखा होगा कि आपके 38 किल इस वक्त हैं और सीजे के 41 किल्स हैं। वैश्विक रॉयल्स एंड सिनर्जी दोनों कभी टॉप पे आप आ रहे हो, कभी टॉप पे वो आ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपकी राय जो आप देना चाहते हैं? लाइक VSG अभी इस टूर्नामेंट में लाइक दे आर गिविंग देयर टॉप नॉच परफॉर्मेंस. सो हम भी मेनली ये ट्राई करेंगे कि अपना जो हमारा भी लीड है. एंड अबाउट द किल्स, तो मेनली मैं इतने से फोकस नहीं करता कि स्पेसिफिकली कि मुझे किल्स ही करने हैं. अब जैसे अब टीम जब इकट्ठे खेलती है तो एंड जोन में अपना भी लाइक किल्स अपना भी आते हैं. कुछ स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता कि किल्स आए कि या मैं किल्स के लिए जाऊँ. तो वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे कि टू गेट द किल्स एज अ पोजिशन. ऑल्सो लाइक हमने देखा कि सिनर्जी अभी एक ह्यूज शिफ्ट ली थी 2nd वीक तक टीम IND, जैसे कि आपने बोला परफॉर्मेंस उनका बहुत ज्यादा अच्छा था, एंड अभी थोड़ा मे बी उनको ऑफ डे चला था कुछ दिनों पहले, बट 2nd वीक तक टीम IND का लाइक ये जो लीड था बहुत ज्यादा हो चुका था। लाइक हमें लग रहा था कि उनको अभी वहां पे पीछे हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इवन यहाँ पे टीम IND थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी लेकर के आगे बढ़ती जाए तो
उनका फर्स्ट पोजिशन ईजी है, बट आप लोगों ने वो कर देखा, उनका जो मार्जिन था वो ना कि पूरा कवर किया, उनसे आगे भी बढ़ गए एंड टीम आईएनटी फेल डाउन टू थर्ड पोजिशन। तो आपका ये जो स्ट्रैटेजी था, मीन वाइल आपको क्या लगता है वीक टू तक कहाँ तक आप में गलती आई, क्या आपका वो लाइक यू नो ऑफ परफॉर्मेंस चल रहा था, या आप लोगों ने कुछ चेंज ऑफ प्लान किया, स्ट्रैटेजी चेंज करा तो आप फर्स्ट पोजिशन अभी मेंटेन कर पा रहे हो? सो वीक टू तक तो मतलब आईएनडी का काफी अच्छा लीड था जहां तक है, और तो हमने मेनली कुछ ऐसे स्पेशल फोकस नहीं किया था कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करनी है. तो जैसे डे वन गया हमने देखा कि काफी लाइक ऊपर आ चुके हैं, सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं. तो मतलब डे टू था उसके लिए हमने वीक टू का डे टू के लिए हमने प्लान बनाया था कि दैट वी नीड टू गेट अराउंड 60 पॉइंट्स की हम अपना वीएसजी के ऊपर से मतलब लीड मेंटेन कर पाए. तो लकीली वी गॉट 59 पॉइंट्स दैट डे. तो उसकी वजह से आई थिंक सो वही हमारा परफॉर्मेंस के लिए मेन वो था कि हमने लाइक एक गोल सेट किया था कि हमें इतना रीच करना है, तो वो रीच कर लिया, तो वी आर क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट. बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लोग परफॉर्म करते रहोगे। और थैंक यू सो मच टेड हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और खासकर आपने जो वो स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, दर्शकों को भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है ये स्टोरी सुन के। तो एबी आपकी तरफ से कुछ एंडिंग वर्ड्स? क्लोजिंग वर्ड्स ये रहेगा कि सिनर्जी हम जानते हैं ये एक टॉप इंडियन टीम है जो काफी ज्यादा अच्छा टूर्नामेंट में भी परफॉर्म कर रही है. होपफुली ये चीजों को मेंटेन कर पाए एंड जो अपना अग्रेसिव स्टांस है उसको भी और आगे बढ़ाए, ज्यादा किल्स ले एंड हमें अच्छा एक शो दिखाए फॉर द ऑडियंस इज वेल. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स एकदम ह्यूज पोटेंशियल रखते हैं. सो होपफुली आप लोग ये जो टॉप स्पॉट है वो मेंटेन कर पाओ. थैंक यू ऑल फॉर योर विशेस.